गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसहसंयोजक यौगिक में किलेटीकरण एवं नॉमनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। किलेटीकरण, जब एक ही लिगेंड द्वारा उसी केंद्रीय परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाए जाए तो चक्रीय संरचना युक्त संकुल बनते हैं। ऐसे संकुलों को किलेट संकुल कहते हैं और इस प्रक्रम को किलेटीकरण कहते हैं। चक्रीय संरचना के कारण किलेट संकुल स्थायी होते हैं। बहुदंतु किलेट की प्रकृति के हिसाब से द्विदंतु किलेटीकरण, त्रिदंतु किलेटीकरण, चतुर्दंतु किलेटीकरण आदि हो सकते हैं। किलेट्स जो है ये एक किलोस, ये एक यूनानी शब्द है, किलोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है केकड़े का पंजा। ये समानता इसलिए दी गई क्योंकि पंजा तथा बहुदंतुक लिगेंड दोनों ही किसी वस्तु यहाँ धातु आयन को एक से अधिक बिंदु से पकड़ते हैं। तो जिस तरह से एक केकड़ा किसी भी चीज़ को अपने पंजों से पकड़ता है, उसी तरह से लिगेंड्स जो है मेटल धातु को पकड़ के रखता है और एक चक्र के रूप में, एक रिंग के रूप में बनाते हैं, जिसे किलेट्स कहा जाता है। किलेटीकरण का उपयोग बहुत अधिक है, जैसे कि इट प्रोवाइड्स इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इन किलेशन थेरेपी टू रिमूव टॉक्सिक मेटल्स फ्रॉम द बॉडी एज कंट्रास्ट एजेंट्स इन MRI स्कैनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग होमोजीनस कैटलिस्ट इन केमिकल वाटर ट्रीटमेंट टू असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ मेटल्स एंड इन फर्टिलाइजर्स। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये कंपाउंड है, ये कॉपर जो है ये मेटल आयन है और इसको जो है दो लिगेंड, सेम लिगेंड इथाइलिन डाई 1,2 डायमीन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों नाइट्रोजन के पास लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखो दो रिंग बनता है और 5 मेंबर्ड रिंग बना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये एक किलेट बना, ये एक किलेट बना, ये जो प्रोसेस जो बना है इसको हम बोलते हैं किलेटीकरण। तो ये इस तरह से ये कॉपर को ये अपने जो है जोड़ रखा है। तो जैसे वो एक क्रैब जो है ये किसी चीज़ को पकड़ता है, उसी तरह से यहाँ पे ये जो लीगेंड है इसने मेटल को पकड़ रखा है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं ट्राई मिथाइलिन डायमीन, तो इसने जो है ये मेटल के साथ ये कोऑर्डिनेट बनाया है और ये एक रिंग बनाया है, किलेट रिंग बनाया है। एसिटाइल एसिटेनेटो, इसने भी एक किलेट रिंग बनाया है, तो इसे कहते हैं हम किलेटीकरण। हमारे जो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन है, या हम प्लांट्स में देखते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये सारे जो है किलेट्स है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो है पोरफायरिन रिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ पे जो क्लोरोफिल है मैग्नीशियम जो है पोरफायरिन रिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो किलेट्स जो है बहुत उपयोगी होते हैं और इनके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट या यूजेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को IUPAC नॉमनक्लेचर में या नामकरण किस प्रकार से दिया गया है। तो सामान्य रूप से जो IUPAC नॉमनक्लेचर है, तो सामान्य लवण की भांति इनका भी नामकरण
में दो शब्दों से लिखा जाता है जिसमें पहले धनायन और फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है और इन दोनों के मध्य थोड़ा रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। उपसंयोजक यौगिकों में उपसंयोजक एंटिटी धनायन अथवा ऋणायन अथवा उदासीन अणु हो सकता है और उसी के अनुसार इनका नामकरण होता है। यदि उपसंयोजक एंटिटी अपने आप में एक पूर्ण उदासीन अणु है, मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उदासीन है, तो उसके अनुसार तो कोई धनायन या ऋणायन नहीं होगा और उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा। यदि एंटिटी उपसर्ज एंटिटी जो है ऋणायन है तो उसको उसको पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर धनायन का नाम लिखेंगे। यदि संकुल आयन या अणु में एक से अधिक समान लिगेंड हो तो उन लिगेंडों के नाम में पूर्व लग्न डाई ट्राई आदि लिखा जाता है। लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते समय उनकी संख्या के पूर्व लग्न के अक्षर का ध्यान नहीं रखा जाता। उदाहरण के लिए डाई अमीन को हम ए का समूह मानेंगे, डी का नहीं, क्योंकि यहाँ पे अमीन जो एटम है ये दो है, जबकि डाई मिथाइल अमीन, ये डाई मिथाइल अमीन जो है ये एक लीगेंड ही है, उसमें जो हम डी का समूह मानेंगे, उनकी संख्या बताने वाले पूर्व लग्न नहीं है। जिन लिगेंडों के नाम में डाई ट्राई आदि लगे हुए हो, ऐसे लिगेंडों की संख्या बताने के लिए इनके नामों से पहले बिस ट्रिस टेट्राकिस आदि पूर्व लग्नों का प्रयोग किया जाता है। रिनाइनी लिगेंड चाहे अकार्बनिक हो या कार्बनिक, उसके नाम के अंत में अनुलग्न ओ आता है। सामान्यतः जिन ऋणायनों के नाम आइड आइट एट पर समाप्त होता है, उनके अंतिम अक्षर ई को ओ से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अतः क्रमशः उनको आइडो आइटो एटो कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन ऋणायनों के नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फिनाइल ऋणायन है तो उसको हम फिनाइल ही लिखते हैं, साइक्लोपेंटा डाइनाइल है तो साइक्लोपेंटा डाइनाइल ही लिखते हैं। उदासीन लिगेंडों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। पीरिडीन है, मिथाइल एमीन है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, नाइट्रोसिल है, कार्बोनिल है, बस वाटर को एक्वा लिखते हैं, एमीन को एमीन ही लिखते हैं, परंतु एमीन के स्पेलिंग में डबल एम आ जाता है। धनायन लिगेंड के नामकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके नाम के अंत में ईएम लगा दिया जाता है। जैसे हाइड्राजीन है तो हाइड्राजीनियम, वाटर है तो हाइड्रोनियम, तो हम नाम के अंत में ईएम लिखते हैं। यदि उभयदंतुक लिगेंड धातु के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उनका नाम लिखते समय ये बताना पड़ता है कि धातु परमाणु के साथ कौन से परमाणु ने उपसंयोजक बंध बनाया है, और उसके पहले हम म्यू से म्यू लिखते हैं, सॉरी म्यू उसके पहले हम जो भी धातु के साथ जो भी तत्व जुड़ता है उस तत्व का अल्फाबेट लिखा जाता है। जैसे
SCN में यदि S यदि मेटल से जुड़ता है तो हम S लिखते हैं, या हम थायोसाइनेट लिखते हैं यदि N जुड़ता है तो आइसोथायोसाइनेट या N लिखते हैं। यदि जो है ब्रिज कॉम्प्लेक्स हो, या इसको या तो हम सबसे पहले वो ब्रिज कॉम्प्लेक्स से पहले हम ये ले लेते हैं कि यदि सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम रोमन न्यूमरल्स में ब्रैकेट में लिखते हैं, और यदि दो मेटल है और उसको एक लिगेंड जोड़ता है उसको हम ब्रिज लिगेंड्स कहते हैं, और ब्रिज लिगेंड्स लिखते समय या सेतु लिगेंड को लिखते समय हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कुछ लिगेंड्स के कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिसके अंदर दो मेटल एटम एक साथ या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। उन लिगेंड से या उन यौगिक को हम लिखते वक्त जो हम धातु का नाम लिखते हैं उसके नाम से पहले बाई लिखा जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं उनको सिस और ट्रांस से प्रदर्शित करते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स को डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी DL या प्लस और माइनस से माइनस लिखे हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे हम सबसे पहले जो है इसको धनायन को लिखा है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले हमने नेगेटिव को लिखा है, लिगेंड्स को लिखा है, और उसके बाद हमने मेटल को लिखा है। यहाँ पे ये जो है पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को प्रदर्शित किया गया है, दो मेटल के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो इसलिए मेटल के नाम के आगे हमने ये एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स को हमने म्यू से प्रदर्शित किया है। जिस तरह से हमने मेटल कोई भी ये कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा है, उसी तरह से यदि हमारे पास नाम दिया गया हो और फॉर्मूला लिखना है तो उसके नियम क्या है, तो सबसे पहले धनायन सूत्र में लिखते हैं, फिर ऋणायन लिखते हैं, फिर किसी संकुल एंटिटी का सूत्र लिखते समय एक बड़े कोष्ठक में पहले धातु का प्रतीक उसके बाद लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सूत्र का जो पहला अक्षर होता है उसके आधार पर वर्णमाला का निर्धारण करते हैं। संकुल धनायन अथवा ऋणायन हो सकता है, यदि संकुल धनायन हो तो उस पर स्थित धनावेश को उदासीन करने के लिए जितने ऋणावेश की आवश्यकता है उसके अनुरूप ऋणायनों की संख्या संतुलित की जाती है। इसके विपरीत यदि संकुल ऋणायन है तो उस पर स्थित ऋणावेश के अनुरूप धनायनों की संख्या को संतुलित कर लिया जाता है। इस का सूत्र पूर्ण होता है, और हम जो मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको हम फॉर्मूला लिखते समय नहीं मेंशन करते हैं, या उसको हम लिखते नहीं है, तो इस तरह से हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण करते हैं, उसका नाम लिखते हैं या उसका सूत्र लिखते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।